जैसा कि ज्ञात है, पिछले कई वर्षों से जिला चिकित्सालय सिवनी अधिकतम लापरवाहियों से सुर्खियों में रहा है। कायाकल्प में तो जिला अस्पताल सबसे आगे रहा, लेकिन व्यवस्थाओं में और स्वास्थ्य सुविधाओं में जिला चिकित्सालय सिवनी अधिकतम निष्क्रिय रहा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगी कल्याण समिति के सांसद प्रतिनिधि आशीष माना ठाकुर द्वारा कहा गया कि 6 अगस्त को उनके द्वारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम और विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्योग विभाग मंत्री, सिवनी जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से मिलकर उनके द्वारा जिला अस्पताल की अनेक सुविधाओं से अवगत कराया गया। चूंकि सिवनी जिला अस्पताल में वर्तमान में नेत्र विशेषज्ञ नहीं है, जिससे यहां के लोगों को इलाज के लिए जिले के बाहर या प्राइवेट क्लिनिक पर अपना उपचार मजबूरी में कराना पड़ता है, जिससे पीड़ितों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में निवेदन किया गया कि जिला अस्पताल सिवनी में नेत्र विशेषज्ञ की पदस्थी की जाए या आउटसोर्सिंग के तहत नागपुर या जबलपुर से नेत्र विशेषज्ञ को जिला अस्पताल सिवनी में सप्ताह में 1 या 2 दिन निश्चित कर पदस्थ किया जाए, ताकि यहां के लोगों को संबंधित बीमारी के लिए परेशान न होना पड़े। इसके साथ ही अपनी बात को प्रभारी मंत्री के समक्ष रखते हुए आशीष माना ठाकुर के द्वारा कहा गया कि कोरोना काल की द्वितीय लहर के समय भी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। समस्या को देखते हुए तीसरी लहर आने के पूर्व जिला अस्पताल में उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि तीसरी लहर के समय पीड़ितों को उचित समय में ऑक्सीजन और दवाई उपलब्ध हो सके।